आइए कुछ चाय पे चर्चा करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की सुबह शुरू होती है ऐसे ही एक चाय की चुस्की के साथ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्यों ना एक बिजनेस शुरू किया जाए चाय का और पूरी दुनिया को स्वादिष्ट चाय पिलाई जाए। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये होगा कैसे, बिजनेस कैसे बनते। घबराइए मत, शुरुआत करेंगे एक छोटे से चाय की स्टॉल के साथ, शायद आपके कॉलेज के बाहर, और फिर धीरे धीरे 10, 20, 30, 50, 100, 1000 ऐसी ही चाय की स्टॉल्स हम शुरू करते हैं। अच्छा लगा आइडिया। अब बात उठती है कि इसमें कितना समय लगेगा। क्या आपको लगता है ये सब कुछ हफ्तों में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कुछ महीनों में ये 1000 चाय की स्टॉल्स बन जाएंगी और बिजनेस चमकेगा? बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ साल तो लगेंगे। जब हम इक्विटी खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक बिजनेस में निवेश करते हैं। बिजनेस सालों में बनते हैं, महीनों में, हफ्तों में नहीं बनते। और इसीलिए जब आप इक्विटी में निवेश करें तो ये जरूर समझ लीजिए कि ये निवेश एक लंबे अवधि का होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को एक स्टॉल से हजारों स्टॉल तक पहुंचने में समय लगता है, और इसीलिए जब आप निवेश करें तो ये जान लीजिए कि इक्विटी में निवेश लंबी अवधि का होता है। और कितना निवेश कितने समय तक करें ये निर्भर होता है आपके गोल पर। अगर आपका गोल है कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तब मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हो जिससे कि मैं एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जी सकूं, तो फिर आपकी निवेश की जो अवधि है वो काफी सालों की होनी पड़ेगी। अभी से शुरू करिए और इन्वेस्ट करते रहिए जब तक आप रिटायर ना हो। लेकिन अगर आपका गोल है कि मैं 3 साल बाद एक अच्छी विदेशी हॉलिडे पर जाना चाहता हूं, तो फिर शायद आपको डेट या बॉन्ड जिसे कहते हैं उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि में इक्विटी में जोखिम ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये समझ लीजिए कि आपका जो निवेश की जो आपकी अवधि है वो निर्भर करती है किस पर, आपके गोल पर और उस एसेट में जिसमें आप अपना निवेश कर रहे हैं।